शासन की मंशा अनुसार और जनहित में करेंगे काम, कहा उपजिलाधिकारी ने। नवागंतुक एसडीएम ने कहा फरियादी सीधे अपनी बात कहें, बिचौलियों को ना लाएं साथ। जनपद जालन की कोच तहसील में उरई नगर से आए उपजिलाधिकारी अशोक कुमार ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद जन समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्य शुरू कर दिया है। नवागंतुक उपजिलाधिकारी अशोक कुमार ने हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम से प्रथम अनौपचारिक वार्ता के दौरान जनता के नाम संदेश में कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी जनता को समय से और सही न्याय दिला सके। उन्होंने कहा जनता के लोग अपनी समस्या सीधे आकर बताएं, बिचौलियों को बीच में ना लाएं तो जल्द न्याय मिल सकेगा। क्षेत्र में आपको क्या कुछ समस्याएं मिली जिन पर आपको विशेष ध्यान आकर्षित करना होगा? इस प्रश्न के उत्तर में उपजिलाधिकारी अशोक कुमार ने कहा इधर सबसे बड़ी समस्या अन्ना प्रथा समझ में आई है, इसका यथाशीघ्र निदान किया जाएगा। राजस्व विभाग के कर्मचारियों के संबंध में उन्होंने कहा कि सबके साथ बैठेंगे और उनके सुनूंगा और अपनी सुनाऊंगा, सार यही होगा कि जनता को न्याय मिले। रिपोर्ट ओम प्रकाश उदनिया, ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान न्यूज 24। मैं ओम प्रकाश उदनिया, हिंदुस्तान न्यूज 24 से, और आज हमारे साथ नवागंतुक उपजिलाधिकारी महोदय हमारे साथ है और उनका बहुत बहुत हिंदुस्तान न्यूज 24 में स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा क्या जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? समस्या का समाधान होगा। हिंदुस्तान 24 के लिए ओम प्रकाश उदनिया।